आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और खतरनाक प्रॉब्लम के बारे में। आप सब जानते हैं कि थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल बहुत कॉमन है। आपके जान पहचान में भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी और वो मेडिसिन ले रहे होंगे। आइए जानते हैं कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो दो तरह की हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। आज हम कुछ साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे जो थायराइड की प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं पर जिनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं होती है। नाउ ध्यान से देखिए, अगर आपकी थायराइड जरूरत से ज्यादा काम कर रही है तो आपको हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। अगर हाइपरथायराइड की स्टेट है तो आपको पसीना ज्यादा आएगा, आपको हमेशा लगेगा कि आपको बहुत गर्मी लग रही है, हाथ पैर गर्म महसूस होंगे, समय के साथ आपको लगेगा कि वजन कम हो रहा है। अगर आप मेजर करेंगे तो वास्तव में वेट लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा आपको छोटी छोटी बातों पर धड़कन महसूस होगी, छोटी छोटी बातों पर घबराहट होगी, पैल्पिटेशन होगी, ये सब सिम्टम्स होंगे तो आपकी थायराइड जरूरत से ज्यादा काम कर रही है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपकी थायराइड हाइपो एक्टिव है तो मतलब थायराइड जरूरत से कम काम कर रही है तो जो इसके इफेक्ट्स हैं बिल्कुल अपोजिट होंगे। मींस आपको ज्यादा ठंड लगेगी, आपका वेट बढ़ने लगेगा, आपके हार्ट की स्पीड कम हो जाएगी जिससे आपको धड़कन महसूस होने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां तक इन सिम्टम्स का सवाल है, ये बड़े ऑब्वियस सिम्टम्स हैं जो आपको भी समझ में आ जाएंगे, इनको इजिली पहचाना जा सकता है। बट थायराइड से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम ध्यान नहीं देते हैं और वो चलते चले जाते हैं, हम पकड़ भी नहीं पाते हैं कि वास्तव में ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। आज हम ऐसे ही साइंस एंड सिम्टम की बात करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज फॉर योर ब्रेन, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो बहुत सारे हार्मोन्स हमारे ब्रेन को भेजते हैं जिससे हमारा ब्रेन बहुत एफिशिएंटली काम करता है। अगर थायराइड गड़बड़ होगी या हाइपोथायराइड स्टेट में होगी तो ये हार्मोन्स ब्रेन को एफिशिएंटली काम नहीं करने देंगे। तो तीन चीजें होंगी, आपका फोकस गड़बड़ होगा, याददाश्त कमजोर होने लगेगी और फिर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मतलब जो आप सोचते हैं और बिल्कुल क्लियर सोचते हैं उसमें भी गड़बड़ी होने लगेगी। तो फॉगी ब्रेन इज वन ऑफ द सिम्टम जो थायराइड प्रॉब्लम्स में आना चालू हो जाता है। नाउ सेकेंड वन इज मूड चेंज। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मूड चेंज है इसके बहुत सारे कारण हैं। कभी आप उदास होते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट है या बराबर हो रहा है तो थायराइड ट्रबल कैन बी वन ऑफ द रीजन जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो डिप्रेशन है, मानसिक उदासी या अवसाद है, यह ज्यादा कॉमन है हाइपोथायराइडिज्म में। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो एंग्जाइटी पैनिक है, घबराहट है, वो ज्यादा कॉमन है हाइपरथायराइडिज्म में। तो अगर मूड चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट है तो थायराइड प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप महिला हैं और प्रेग्नेंट हैं और थायराइड अनट्रीटेड है तो इस चीज को देखने की जरूरत है। अगर अनट्रीटेड हाइपोथायराइडिज्म है एंड प्रेगनेंसी है तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो कॉम्प्लिकेशन रेट है वो हमेशा सामान्य से ज्यादा होंगी। जो प्री एक्लेम्सिया है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। देयर आर हाई चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस एंड स्टिल बर्थ। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो प्री मैच्योर डिलीवरी या लो बर्थ वेट या बच्चे का वजन कम होना, दीज आर टू प्रॉब्लम्स विच आर क्वाइट कॉमन। अगर प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम अनट्रीटेड है तो नाउ जो गर्ल्स हैं या फीमेल्स हैं उनमें अगर थायराइड ठीक से काम नहीं कर रही तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है और कभी कभी इरेगुलर भी हो सकता है, कभी कभी पीरियड आना बंद भी हो जाते हैं, वो भी यूजुअली थायराइड की प्रॉब्लम में आता है। तो यंग गर्ल्स जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि पीरियड स्टार्ट होने का टाइम या तो बहुत अर्ली या बहुत लेट हो जाता है। तो पीरियड्स के जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर क्वाइट कॉमन। नाउ लुक एट द पफी फेस। अगर आपके चेहरे पर स्वेलिंग है, आपके आंखों के नीचे सूजन है, आपके होठों के चारों तरफ सूजन है
और आपको लगता है कि पूरा फेस स्वेल्ड है, तो आपको थायराइड इवेलुएट कराने की जरूरत है। इन हाइपोथायरायडिज्म वाटर कलेक्ट होने के कारण चेहरे पर सूजन आती है। नाउ जो वाटर कलेक्शन है वो आंखों के चारों ओर होता है, तो आसपास की मसल्स पर दबाव पड़ता है जिससे विजन ब्लर्ड हो जाता है और आपका फोकस भी डिस्टर्ब हो जाता है। नाउ अगर हाइपरथायरायडिज्म है तो आपकी आंखों की साइज बड़ी हो जाती है जिसे ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इसमें आंखें बाहर की ओर आ जाती हैं जिससे विजुअल डिस्टर्बेंस की संभावना होती है। तो हाइपोथायरायडिज्म में भी विजन की प्रॉब्लम होगी और हाइपरथायरायडिज्म में भी विजन की प्रॉब्लम होगी। नाउ एक टर्म है कार्पल टनल सिंड्रोम। हमारे हाथ की जो नसें हैं वो हाथ के अंदर एक टनल के थ्रू होकर गुजरती हैं जिसे कार्पल टनल कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि इस तरह की टनल में जो नर्व्स होती हैं वो टाइटली पैक्ड होती हैं। अगर इसमें स्वेलिंग होगी या वाटर कलेक्ट होगा तो जो नर्व्स हैं उन पर प्रेशर डेवलप होगा। अगर प्रेशर होगा तो नर्व से रिलेटेड सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। आपको हाथ सुन्न महसूस होगा या नंबनेस महसूस होगी, आपको टिंगलिंग महसूस होगी, ऐसा लगेगा जैसे सुई चुभ रही है, एंड कभी कभी हाथ में वीकनेस महसूस होगी। तो जहां तक कार्पल टनल सिंड्रोम का सवाल है, यह भी थायराइड डिसऑर्डर से हो सकता है। आपको थायराइड हार्मोन्स का लेवल इवेल्युएट कराने की जरूरत है। नाउ लोगों का ऑब्जर्वेशन है कि थायराइड की वजह से कभी कभी खाने का टेस्ट डिफरेंट महसूस होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके टेस्ट बड्स की नर्व्स टेस्ट का सेंसेशन लेके ब्रेन तक जाती है और ब्रेन एंड ओरल कैविटी मिलकर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। जब थायराइड लेवल्स डीअरेंज होते हैं तो अल्टर्ड टेस्ट महसूस होता है। नाउ जहां तक ब्लड प्रेशर का सवाल है, अगर आपकी थायराइड ज्यादा काम कर रही है या हाइपरथायरायडिज्म है तो आपका बीपी हमेशा ज्यादा रहेगा। ऐसे ही अगर आपकी थायराइड जरूरत से कम काम कर रही है या हाइपोथायरायडिज्म है तो बीपी थोड़ा अनस्टेबल होगा, क्योंकि आपकी ब्लड वेसल्स थोड़ी स्टिफ हो जाती हैं जिससे ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है और हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर थायराइड का फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो आपका लिबिडो या सेक्स ड्राइव कम हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है जिससे सेक्स हार्मोन्स की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती हैं, तो आपकी टॉयलेट हैबिट चेंज हो जाती है। अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है तो कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपको हाइपरथायरायडिज्म है तो लूज मोशंस की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट लूजिंग वेट। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, हाइपोथायरायडिज्म में कॉन्स्टिपेशन और हाइपरथायरायडिज्म में लूज मोशन। ऐसे ही साइंटिफिकली माना जाता है कि जो हेयर लॉस है ये हाइपोथायरायडिज्म का एक सिम्टम है। देखिए जो हमारी स्कैल्प है उसमें उससे जो हेयर लॉस डेली होता है ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन जब ये सामान्य से काफी ज्यादा होने लगता है तो शायद ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप थायराइड को देखें तो दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स हैं, हाइपोथायरायडिज्म जिसमें थायराइड कम काम करती है, हाइपरथायरायडिज्म जिसमें थायराइड जरूरत से ज्यादा काम करती है। इन दोनों के जो मेन सिम्टम्स हैं दे आर वेरी एविडेंट, जिनको आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे सिम्टम्स अनकॉमन होते हैं जिनको पहचानने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है, और अगर इनको टाइमली पहचानना नहीं गया तो डिजीज को आइडेंटिफाई करना, इसको डायग्नोस करना और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो मैंने आपके सामने रखे इन पर जरूर ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई सिम्टम है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें जिससे थायराइड की प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया जा सके। तो अगर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझने में इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री राम।